हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल शाइन प्लस। आप कोई भी कैसा भी रिबन ले सकते हैं, किसी भी कलर का। अब हम रिबन को सबसे पहले इस तरह से मोड़ेंगे और जहां रिबन की साइड आकर के मिलती है वहां से हम इसको कट कर लेंगे। जहां मेरा अंगूठा रखा है वहां से कट कर इस तरह से मोड़ करके काटने से क्या होगा कि जो हम पीस काटेंगे उसकी लंबाई चौड़ाई इक्वल आएगी। आप चाहे तो नाप करके भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने अंदाजे से जैसे काटते हैं बिना इंच टेप के मैंने वैसे काट करके आपको दिखाया है। अब हम इसकी जो साइडों के थोड़े धागे निकले हुए हैं उसको अच्छे से चिपका लेंगे। आप चाहे मोमबत्ती का भी यूज कर सकते हैं। अब करना क्या है, इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे। आपको ये लाइन दिख रही है और इस तरह से हम इसको दोबारा मोड़ देंगे। आप देखेंगे कि आपको एक प्लस का निशान दिख रहा है। अब हम प्लस के निशान के किनारों से किनारा मिलाते हुए सिलाई करेंगे। कैसे? इस तरह से, जैसे मैं सुई रख करके आपको दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही हमें सिलाई करनी है। एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आप जब भी सिलाई करें तो आपकी सिलाई थोड़ी बड़ी बड़ी होनी चाहिए, छोटी छोटी सिलाई ना करें। बड़ी बड़ी सिलाई करने से क्या होगा, जो आपका फ्लावर बनेगा उसकी पत्तियाँ ज्यादा अच्छी बनेंगी, ज्यादा अच्छी आएंगी। छोटी सिलाई करने से वो फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब हम इन दोनों धागों को खींच करके अच्छे से बांध लेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारा एक छोटा सा फ्लावर बन करके तैयार हो गया है। अब इसके बीच में हम एक मोती लगाएंगे। ये मैंने मोती लगा लिया है और आप देख सकते हैं फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है। आप इसी तरह और भी फ्लावर्स बना सकते हैं। आप इन फ्लावर्स को एज ए बॉर्डर कहीं भी यूज कर सकते हैं, ब्लाउज की नेक पर, सूट पर, या जो पैंट्स आती हैं उनमें जो बटन लगते हैं, बटन की जगह आप इन फ्लावर्स को भी लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हाँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।